आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड पॉलीमराइज हो जाएं, इसी चीज को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन ये जो पॉलीमराइजेशन है अमीनो एसिड का, इसमें कौन सा अमीनो एसिड किस नंबर पर आएगा, मतलब सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका सीक्वेंस क्या होने वाला है, प्रोटीन की चेन का क्या सीक्वेंस होने वाला है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है एमआरएनए में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। जो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, उसी के हिसाब से प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा। इसीलिए हम इसे ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। किसको ट्रांसलेशन? प्रोटीन सिंथेसिस को। जैसे हम जानते हैं कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ट्रांसलेशन होता है, तो यहां जो लैंग्वेज है वो क्या है, बेसिस के रूप में लिखी गई है, न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में लिखी गई है, जबकि यहां लैंग्वेज किस रूप में है, अमीनो एसिड में। तो जब हम सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड वाला कन्वर्ट कर रहे हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा नाम ट्रांसलेशन भी है। अब जो ये बॉन्ड्स हैं अमीनो एसिड जिस बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं आपस में, उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले ये अमीनो एसिड एटीपी से चार्ज हो जाते हैं, मतलब एटीपी से एनर्जी लेके और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो दरअसल होता ये है कि अमीनो एसिड, क्योंकि ये अमीनो एसिड डायरेक्टली तो नहीं अटैच होते, कैसे अटैच होते हैं वो तो हम देखने वाले हैं अभी। वराल पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है, एटीपी से। होता यह है अमीनो एसिड अटैच हो जाता है टीआरएनए से, और कोई भी अमीनो एसिड किसी भी टीआरएनए से अटैच नहीं हो जाता, खास टीआरएनए से खास अमीनो एसिड अटैच होता है। हम जानते हैं पहले से, क्योंकि हम कोडोन एंटीकोडोन की बात कर चुके हैं। लेकिन इसको अटैच होने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। इस प्रोसेस को कि टीआरएनए से अमीनो एसिड का जुड़ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। क्योंकि अमीनो एसिड जुड़ रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइलेशन भी बोलते हैं या फिर चार्जिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो अब जो बन गया वो बन गया अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए, है ना, या हम इसको बोलेंगे अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। हम अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स को इस तरह से दिखाएंगे, हमेशा टीआरएनए और उसके ऊपर अमीनो एसिड अटैच करके ऐसे दिखाएंगे। तो ये क्या है, अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो अमीनो एसिड होगा कौन सा होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कभी यहाँ मेट मिथियोनिन होगा, कभी आर्जिनिन होगा, कभी ल्यूसिन होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड यहाँ हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जो हमने अभी देखा, अमीनो एसाइलेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में ही होता है। मतलब इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ओके,
अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिक्स। तो हमने चार्जिंग देखी अभी, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब इस प्रोटीन सिंथेसिस को डिटेल में देखते हैं, इसके स्टेप्स को देखते हैं। तो दरअसल प्रोटीन सिंथेसिस को हम तीन फेजेस में देखेंगे, तीन स्टेप्स में देखेंगे। एक इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये तीन फेजेस में कंप्लीट होगा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस या ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशिएशन की बात करते हैं। इनिशिएशन, तो ये चार्ज्ड टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइल टीआरएनए हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट है। अगर हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं तो ये यूनिट है 60S और ये स्मॉल यूनिट है तो इसको बोलेंगे हम 40S। अगर हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोट में लार्ज सब यूनिट राइबोसोम की कौन सी होती है 60X और स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज 40S इन केस ऑफ यूकैरियोट। लेकिन हम प्रोकैरियोट की अगर बात कर रहे हैं तो फिर लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज 50S 50 एंड स्मॉल सब यूनिट इज 30S। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे आगे। तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट मौजूद हैं और ये जो mRNA है जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना है वो प्रेजेंट है। यही चीजें जरूरी होती हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। इस टाइप के जो चार्ज tRNA हैं या अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्सेस हैं ये बहुत सारे प्रेजेंट हैं। कहाँ प्रेजेंट हैं तो ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कोई अलग अलग नहीं होता। हाँ, अगर यूकैरियोट की बात करें तो ये वाला प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और आपको पता है कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो सेल ऑर्गेनेल हैं जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं और ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेमी ऑटोनोमस का मतलब इनका इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये खुद की प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं। तो यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में भी होगी और ये जो सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं इनमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो प्रोकैरियोट सेल के टाइप की होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही राइबोसोम्स कैसा होता है? प्रोकैरियोट सेल के टाइप जैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो स्मॉल सब यूनिट है वो mRNA से अटैच हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच विद mRNA। और इस RNA में हम देख रहे हैं ये यहां से स्टार्ट हुआ है और ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन जो राइबोसोम है यहाँ किनारे पर अटैच नहीं हुआ बल्कि बीच में कहीं अटैच हुआ है। दरअसल हमेशा वो अटैच होगा जहाँ उसे AUG मिलेगा। AUG हमने बात की थी, AUG इज द इनिशिएशन कोडोन। तो जहाँ इनिशिएशन कोडोन होगा
वहीं से ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है, इनिशिएट होता है। तो फिर स्मॉल सब यूनिट अटैच भी कहाँ होगी, जाके एयूजी पर ही अटैच होगी, ठीक है। और इस प्रोसेस के लिए, मतलब इस अटैचमेंट के लिए जरूरत होती है जीटीपी की। जीटीपी का मतलब एनर्जी है ना, एटीपी जीटीपी। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है जीटीपी की और इनिशिएशन फैक्टर की। प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं अगर, तो प्रोकैरियोट में ये इनिशिएशन फैक्टर 3 टाइप के होते हैं। और अगर यूकैरियोट की बात करें, ये प्रोकैरियोट की बात थी, और अगर यूकैरियोट की बात करें तो ये इनिशिएशन फैक्टर 9 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जीटीपी और इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत कब पड़ेगी, एमआरएनए और स्मॉल सब यूनिट दोनों अटैच होने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ये है चार्ज्ड टीआरएनए, या इसको कहो अमीनो एसाइल टीआरएनए, और इस पर अमीनो एसिड कौन सा है, मैट है, मिथ्यूनिन, ये अटैच हो जाएगा एयूजी से, ठीक है। ये एंटीकोडोन है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या सीक्वेंस होगा, ए का मतलब अपोजिट यू, यू का अपोजिट ए, और जी का अपोजिट सी। तो हमेशा शुरुआत में इनिशिएशन के समय है ना, प्रोटीन सिंथेसिस की हमेशा शुरुआत होती है इनिशिएशन कोडोन से, और इनिशिएशन कोडोन कोड करता है मिथियोनिन अमीनो एसिड को। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि बताओ इस टीआरएनए, मतलब जो शुरुआत वाला टीआरएनए है, जो मैट को लेके आता है, मिथियोनिन को लेके आता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इनिशिएशन या इनिशिएटर टीआरएनए। और पूछा जाए उसका एंटीकोडोन क्या है, तो एंटीकोडोन आप बता दोगे एयूजी के अपोजिट, ठीक है। तो ये चार्ज टीआरएनए अटैच हो गया। अब इसके बाद लार्ज सब यूनिट आके अटैच होगी, लार्ज सब यूनिट आके अटैच हो गई। अब क्या है, ये जो लार्ज सब यूनिट है, इसमें दो साइट हैं, इस साइट को बोलते हैं ए साइट और इस साइट को बोलते हैं पी साइट, ठीक है। तो जो पहला टीआरएनए है, पहला चार्ज टीआरएनए, वो हमेशा पी साइट पर आके अटैच होगा, लेकिन बाद के सभी चार्ज टीआरएनए किस पर आएंगे, ए साइट पर आएंगे, है ना। पहला पी साइट पर अटैच होगा आके, लेकिन बाद के सभी किस साइट पर आएंगे, ए साइट पर आएंगे। और अगर हम यूकैरियोट की बात करें, तो ये मिथियोनिन है यहां पर, और अगर प्रोकैरियोट है तो ये मिथियोनिन की बजाय एफ मिथियोनिन भी हो सकता है। एफ मिथियोनिन का मतलब फॉर माइलेटेड मिथियोनिन, है ना, फॉर माइलेटेड मिथियोनिन भी हो सकता है, मतलब फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें एडिशनल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एफ मेट प्रोकैरियोट में इनिशिएशन इनिशिएट करता है या मेट, है ना, मिथियोनिन इनिशिएट करता है या एफ मेट, तो आप बता दोगे एफ मेट प्रोकैरियोट में करता है, ठीक है। तो हम ये देख ही चुके हैं कि ये साइट है पी साइट और ये साइट है ए साइट। बाद के सभी जो चार्ज टीआरएनए हैं या टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लेके आ रहे हैं, वो किस साइट पर आएंगे, वो हमेशा ए साइट पर आएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा टीआरएनए भी आ चुका एक बार और। दरअसल
मीन्स स्मॉल राइबोसोम, और एमआरएनए लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, और चार्ज टीआरएनए, ये सब जुड़ जाएं तो इसी को हम बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इनिशिएशन। और अब आगे जो भी होगा वो होगा इलोंगेशन। तो ये जो इनिशिएशन कोडॉन है वो कौन सी साइट पर मौजूद है? पी साइट पर। और जो ए साइट है वहां कोई एक कोडॉन तो है ना, और उसी कोडॉन के हिसाब से अगला टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड को लेके। मान लो, मानो क्या यहां है ही सी सी यू, तो अगला जो टीआरएनए आया है अमीनो एसिड को लेके उसका एंटीकोडोन क्या होगा? तो यहां होगा जी, यहां होगा जी, और यहां होगा यू का अपोजिट क्या होगा? ए। ठीक है, उसी हिसाब से अमीनो एसिड कौन सा होगा तो टेबल में देखे आप नाम बताओगे। जो भी इनके हिसाब से प्रोटीन चेन बनेगी, तो कौन सी प्रोटीन चेन बनेगी, उस प्रोटीन चेन के अमीनो एसिड कौन से होंगे, तो वो आप बना के मेरे को भेजोगे। तो अब ये इलोंगेशन हो रहा है, बेसिकली इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन हो रहा है। तो ये टीआरएनए जैसे ही आया, अब देखो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि ये पी साइट और ए साइट दोनों करीब हैं, काफी काफी करीब हैं। और जब दो चार्ज्ड टीआरएनए काफी करीब हों तो उन पर प्रेजेंट जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच बॉन्ड बन जाता है, उनकी करीबी की वजह से, उनकी प्रॉक्सिमिटी की वजह से, है ना, बॉन्ड बन जाता है। और इस बॉन्ड को बनने के लिए एनर्जी कहां से आती है, तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि चार्जिंग के समय एटीपी जो यूज हुआ था वही एनर्जी यहां यूज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में। साथ ही साथ जो ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम की, ये कैटालिस्ट की तरह भी काम करता है। कैटालिस्ट मतलब एंजाइम की तरह वर्क करता है। तो जो ये बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनाने में ये भी हेल्प करता है, ये भी कैटलाइज करता है। इसकी वजह से भी बॉन्ड आसानी से भी बन जाता है। किसकी वजह से? राइबोसोम। तो राइबोसोम की जो लार्ज यूनिट है वो किसका काम कर रही है? एंजाइम का काम कर रही है। और राइबोसोम अगर एंजाइम का काम करता है तो हम उसे बोलते हैं राइबोजाइम। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। ठीक है, और यहां पर राइबोजाइम पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पेप्टाइड। तो इसलिए इस राइबोजाइम का स्पेसिफिक नाम होगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ओके, तो हमने देखा कि पी साइट और ए साइट दोनों हैं, काफी करीब हैं, और करीब होने की वजह से बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड में कैटालिस्ट भी हेल्प करेगा जो कि राइबोसोम खुद है, लार्ज यूनिट। और हाँ, जो ये पी साइट पर मौजूद है अमीनो एसिड और ए साइट पर जो अमीनो एसिड है, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड यहाँ पर जो यूज होगा, यहाँ OH, यहाँ NH2, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ से अमीनो ग्रुप, है ना। तो ये बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ बस ये जानने की बात है कि पी साइट पर जो मौजूद होगा उसका कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जबकि ए साइट पर जो मौजूद होगा अमीनो एसिड उसका कौन सा ग्रुप यूज होगा? तो अमीनो ग्रुप। एक और बात पूछी जाती है कि लार्ज सब यूनिट प्रोकैरियोट में तो 50S होती है और यूकैरियोट में 60S होती है, और उसका भी सब यूनिट या उसकी भी कंपोनेंट 60S राइबोसोम का कंपोनेंट है 28S,
है ना 28s राइबोसोम प्रेजेंट है इसमें 60s में अगर ये यूकैरियोट है तो, और प्रोकैरियोट है तो इसमें कौन सा कंपोनेंट है 23s। वो दरअसल वर्क करता है किसका, एंजाइम का, एंजाइम मींस राइबोजाइम, और राइबोजाइम जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा हम क्या बोलेंगे उसको, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये दोनों जो अमीनो एसिड है बॉन्ड बन गया। तो ये जो पी साइट पर मौजूद है इसका अमीनो एसिड पहुंच गया किसके पास, इस वाले टीआरएनए के पास, है ना, बॉन्ड बन गया इनके बीच में। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, अमीनो एसिड है नहीं इसके पास, तो फिर ये एस्केप कर जाएगा, यहां से हट जाएगा, है ना। निकल गया यहां से, और फिर ये जो राइबोसोम है वो मूव करेगा नेक्स्ट कोडोन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इस राइबोसोम ने इस साइड मूव किया, साइड मतलब 5-3 डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, मूव किया, तो जो ए साइट पर मौजूद था टीआरएनए जिसके पास की अब राइबोस वो भी हैं, अमीनो एसिड चेन भी है अमीनो एसिड्स की, वो तो पहुंच जाएगा पी साइट पर, और जो ए साइट है वो फिर से खुली हो गई, एक्सपोज हो गई, और जैसे ही ए साइट एक्सपोज होगी मींस कोडोन यहाँ पर जो मौजूद है ए साइट पर आ गया, और वैसे ही इसी कोडोन के कंपेटिबल, इसी कोडोन के एंटी कोडोन वाला अमीनो एसिड लेके आ जाएगा, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आ जाएगा। तो इस तरह से फिर से बॉन्ड बन जाएगा, फिर से एस्केप कर जाएगा, फिर से ये जो साइट है एक्सपोज हो गई, है ना। तो एक्सपोज होने के बाद फिर से टीआरएनए आएगा, चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए आते ही फिर से बॉन्ड बनेगा, फिर से ये एस्केप कर जाएगा। तो ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि ए साइट पर स्टॉप कोडोन ना जाए। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलोंगेशन, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम इलोंगेशन। तो जैसे ही इस ए साइट पर ये स्टॉप कोडोन आया, स्टॉप कोडोन हम जानते हैं यू ए ए होता है, यू ए जी होता है और यू जी ए होता है। अब तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन आएगा तो इन स्टॉप कोडोन के एंटी कोडोन वाला कोई टीआरएनए होता नहीं, तो कोई टीआरएनए अब यहाँ आ नहीं सकता। ठीक है, तो फिर यहाँ एक रिलीजिंग फैक्टर होता है, रिलीज फैक्टर, वो आके अटैच हो जाएगा यहाँ ए साइट पर, और जैसे ही रिलीज फैक्टर ये अटैच होगा वैसे ये सारी चीज़ें डिसइंटीग्रेट कर जाएंगी, मतलब ये जो प्रोटीन चेन बन गई है वो प्रोटीन चेन अलग हो जाएगी, ये टीआरएनए तो वैसे ही अलग होता है वो भी अलग हो जाएगा, है ना, दोनों जो सभी यूनिट हैं वो भी अलग हो जाएंगी, एमआरएनए, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। मैंने क्वेश्चन बोला था कि इसका क्या सीक्वेंस होने वाला है, ये आरएनए दे रखा है एमआरएनए, इसके हिसाब से आप प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड होंगे ये बना के भेजोगे। तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, सारी चीज़ें अलग अलग, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं टर्मिनेशन। जो मैंने पहले नोट्स भेजे थे उनमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, बाकी हमने ये भी पढ़ा कि ये स्टॉप कोडोन, ये इनिशिएशन कोडोन और ये क्या है स्टॉप कोडोन। तो इनिशिएशन कोडोन से पहले भी बेसिस मौजूद हैं
और स्टॉप कोडोन के बाद भी बेस मौजूद है, है ना। फाइव एंड पर देखें तो इनिशिएशन कोडोन से पहले फाइव एंड की तरफ मौजूद है बेसिस, ऐसे ही स्टॉप कोडोन के बाद थ्री एंड की तरफ भी मौजूद है बेसिस, ठीक है। तो ये बेसिस क्या कुछ काम करते हैं? हाँ, इन बेसिस को हम बोलते हैं यूटीआर। यूटीआर का मतलब क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन्स, ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स इनको हम बोलते हैं। और इन अनट्रांसलेटेड रीजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनसे कोई ट्रांसलेशन तो नहीं हो रहा है, इनकी वजह से प्रोटीन तो सिंथेसाइज नहीं हो रहा, कोडिंग नहीं हो रही इनकी वजह से, लेकिन फिर भी इनकी वजह से जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो एफिशिएंटली होता है, है ना, वो एफिशिएंटली होता है। और अगर हम बोलें, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला पढ़ा था, वैसे यह ट्रांसलेशनल यूनिट है। वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था, ये ट्रांसलेशनल यूनिट है। तो ट्रांसलेशनल यूनिट तो कौन सा होता है? तो इनिशिएशन कोडोन से लेकर स्टॉप कोडोन तक ये होता है ट्रांसलेशनल यूनिट, जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, ठीक है। बाकी एक कंसेप्ट और है छोटा सा, बोबल हाइपोथेसिस। तो बोबल हाइपोथेसिस दिया था किसने? फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो ये टीआरएनए है, है ना, अब इस कोडोन और इस कोडोन को कंपेयर करें, तो इस कोडोन का जो तीसरा पेयर है, तीसरा बेस है, वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ जो टीआरएनए वो दोनों सेम है। क्यों सेम है, कैसे पता चल गया? तो हमें पता चला एंटी कोडोन की वजह से, है ना, एंटी कोडोन सेम तो टीआरएनए सेम, लेकिन फिर भी यहाँ ये पेयरिंग हो रही है। तो दरअसल जो शुरुआत की, वैसे तो हमने पढ़ा था शुरू में बेस पेयरिंग का रूल कि ए के अपोजिट हमेशा टी आएगा और जी के अपोजिट हमेशा सी आएगा, लेकिन ये यहाँ पर वो रूल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दरअसल बात क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ऐसा होता है, लेकिन ये उन्हीं में होता है जो टीआरएनए सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं। उनमें जो थर्ड वाला, अगर हम एमआरएनए के हिसाब से देखें तो थर्ड बोलेंगे, और अगर हम इसके हिसाब से बोलें, टीआरएनए के हिसाब से, तो हम बोलेंगे फर्स्ट। क्यों फर्स्ट बोलेंगे? क्योंकि इसका फाइव एंड इस साइड है, है ना, फाइव एंड इस साइड है, तो इसका बोलेंगे हम फर्स्ट। तो फर्स्ट बेस ऑफ टीआरएनए एंड थर्ड बेस ऑफ एमआरएनए के बीच जो बेस पेयरिंग हो रही है, उसमें कई बार वो रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। हाँ, शुरू के जो दो हैं बेस, वो तो हमेशा उस बेस पेयरिंग के रूल से ही पेयरिंग होगी, लेकिन तीसरे में वो रूल ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एक तरह से अनिश्चित। थर्ड वाला कोई निश्चित नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो यही बोवल है, यही बोवल हाइपोथेसिस है जो क्रिक ने दी। फ्रांसिस क्रिक का नाम हम पहले से ही जानते हैं, बाकी ये डिटेल में है नहीं, एक दो क्वेश्चन पूछे गए पहले, इसलिए आपको थोड़ा तो पता ही होना चाहिए इसके बारे में।